अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजु झुनझुनवाला के पक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गोपाल बाहेती ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। बाहेती ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गेम चेंजर करार देते हुए अजमेर से रिजु झुनझुनवाला की जीत का दावा किया। बाहेती ने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार के पास ऐसा कोई विजन नहीं है जिसे वो जनता के सामने रखे, जबकि रिजु झुनझुनवाला अजमेर के विकास और क्षेत्र की समस्या समाधान की बात जनसभाओं में जनता के सामने रख रहे हैं। बाहेती ने दावा किया कि यदि झुनझुनवाला जीते तो अजमेर के औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और पेयजल जैसी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। देखो, पायलट साहब भी अवार्डा लेके आए, पायलट साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, पायलट साहब केकड़ी में 80 करोड़ रुपए का आईटी के सेंटर लेके आए, बीएसएनएल का। पायलट साहब 50 ट्रेनें लेके आए। पायलट साहब ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, काम उन्होंने भी किया। सवाल ये नहीं है, देखो सवाल जिसका आज मेरे पास सुनो नहीं, ये क्यों मोटवानी लाए बिसलपुर, मोटवानी लाए बिसलपुर मोटवानी साहब, कौन साहब लाए मेडिकल कॉलेज, कौन साहब लाए HMT, कौन साहब लाए रीजनल कॉलेज, किसको लाए? वापस चुनाव कर नहीं लड़ रहे हो यार? कौन से पायलट साहब? अभी पायलट साहब राजस्थान संभाल रहे हैं, राजस्थान PC चीफ है, डिप्टी चीफ से चीफ।